आज मैंने देखी है, कल सारा जमाना देखेगा। कितनी खूबसूरत, पहले दिन से ही तुम पर मेरी निगाह थी। अब रोने का कोई फायदा नहीं बेबी, तुम नहीं जानती कि हम कौन लोग हैं। मैं बताता हूं कि हम कौन हैं और क्या चाहते हैं। हम लोग इसी तरह से लड़कियों से शादी करते हैं और फिर उनका जहेज बटोरते हैं और फिर बाद में उनकी न्यूड वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करते हैं। और ये है हमारा बिजनेस। सब अब तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। क्या हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। मम्मी नहीं, मेरा वहां जाना लाजिम है ताकि मैं उस बुड्ढे के मोबाइल से अपनी वीडियो डिलीट कर सकूं। लेकिन सब मैं मेरी बच्ची दलील कभी नहीं, ताल बच्चे जैसे ना नहीं छोड़ोगे। रिजवान साहब क्या कर रहे हैं? तूने मेरी बच्ची के साथ क्या किया? तूने क्या कर रहे हैं यार? हौसला रखिए, हौसला रखिए प्लीज। डटिए आप, प्लीज आप इधर बैठे, प्लीज आप हौसला रखें, हौसला रखें। देखिए अगर इन्होंने गुनाह किया है तो ये कानून से नहीं बच सकते। इन्हें मत छोड़ना इंस्पेक्टर साहब, इन्हें मत। हौसला रखें प्लीज। मिस्टर आगा, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है, आपको मेरे साथ घर चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब इसकी क्या जरूरत है? एक लड़की जली है उस घर में, जाए वकुआ का मुआयना तो जरूरी है ना। जी जी जी, चली चली चले, तुम यही रुको। Thank you.
ओ, सर मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? तो ये बात है जी। तो आगा साहब ये बताइए कि कैसी लगी मेरी ऑफर? जी बहुत अच्छी। आप मुतमईन रहिएगा, पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। क्या है ना आगा साहब, हमारे साथ भी तो पेट लगा हुआ है ना, क्या करें, इसके बगैर गुजारा भी तो नहीं होता। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको इस केस से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दूंगा, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप भी मुतमईन रहिएगा, मैं आपको खुश कर दूंगा। अच्छा अब आगा साहब आप मुझे जरा तफसील से बताइए कि आखिर हुआ क्या था, ताकि मैं इस केस को कोई दूसरा रुख दे सकूं। तफसील बताओ, मोबाइल कहाँ छुपा है बताओ, नहीं तो जान से मार दूंगा। मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने वो मोबाइल कहाँ छुपाया है, नहीं तुम लोग मुझे जान से मार दो। लड़की, हमारा मोबाइल हमें वापस कर दे, वरना मैं तेरे साथ वो सलूक करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है, अब मैं बताऊंगी तुम लोगों को कि मैं क्या करते हो तुम लोगों के साथ। साहित, छोड़ दो इसे। जाओ, चली जाओ। ये लड़की हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात तो कंफर्म है कि मोबाइल इस मनहूस के पास है और अब ये वापस नहीं करेगी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इन लोगों से और माल बटोर सके। नंगे भूखे लोग, इस बार हमारा निशाना सही जगह पर नहीं लगा और इनसे अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें कुछ और सोचना होगा। क्या करें और क्या करें इस मनहूस का? साइलेंट, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे करीब आओ।